खगड़िया के अगुवानी गंगा घाट पर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहे निर्माणाधीन महासेतु का तीन पाया समेत सेगमेंट नदी में समा गया। पुल ढहने को लेकर बिहार सरकार आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन पिछले एक साल में हुई ऐसी घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। 16 मई को बिहार के पूर्णिया जिले में एक निर्माणाधीन सड़क पुल कंक्रीटीकरण के 4 घंटे बाद ढह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और इंजीनियर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे ये हादसा हुआ। इससे पहले भी बीते साल 30 अप्रैल 2022 को भी इसी पुल का पाया संख्या 405 और 406 के बीच सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंके में गिर गया था। तब भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन सरकार कंपनी पर मेहरबान हो गई और कार्रवाई करने के बजाय पुल बनाने के लिए उसे और समय दे दिया था। आइए जानते हैं कि पिछले एक साल में बिहार में कब कब और कहां पुल गिरने की घटना सामने आई है। 19 मार्च को बिहार के सारण जिले में अंग्रेजों के जमाने का एक सड़क पुल गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। पत्थर के चिप से लदा ट्रक पुल पर जा गिरा। वाहन के अत्यधिक भार के कारण पुल ढह गया। बता दें कि महानदी पर अंग्रेजों के जमाने का पुल बना था और पिछले बाढ़ के बाद से इसकी हालत खराब थी। पुल जर्जर हो रहा था और कई जगहों पर दरारें भी नजर आ रही थी। तमाम जर्जरता के बावजूद पथ निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक पुल घोषित नहीं किया है। 19 फरवरी को बिहार के पटना जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। घटना बिहटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर हुई थी। पटना को नालंदा जिले से जोड़ने वाली सड़क आंशिक रूप से बनी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इसी साल की एक बात है कि 16 जनवरी को दरभंगा जिले में ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से लोहे का एक पुल गिर गया था। घटना दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सबोहर घाट की है। कमला बलान नदी पर स्थित ये पुल दरभंगा को मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिलों से जोड़ता है। 18 नवंबर 2022 को नालंदा जिले में एक निर्माणाधीन सड़क पुल के ढह जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बता दें कि वेना ब्लॉक में 4 लेन के खंड पर सड़क पुल का निर्माण चल रहा था। ये पुल पहले भी घटिया निर्माण सामग्री के कारण टूट गया था। 9 जून 2022 को सहरसा जिले में पुल का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। हादसा सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कंडुमेर गांव के कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में हुआ। 20 मई 2022 को राजधानी पटना में अत्यधिक बारिश के कारण 136 साल पुराना एक सड़क पुल ढह गया। पुल पटना से 25 किलोमीटर दूर फतवा उपनगर में स्थित था। पुल का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान 1884 में हुआ था। स्थानीय निवासियों का दावा है कि पुल का रखरखाव खराब था, साथ ही भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन सतर्क भी नहीं था। घटना तब सामने आई जब निर्माण सामग्री से लदा एक ट्रक उस पुल को पार कर रहा था और ज्यादा वजन होने के कारण ये पुल गिर गया था। हालांकि पहले ही पुल और सड़क निर्माण विभाग ने इसे खतरनाक पुल घोषित कर दिया था और पिछले 25 साल से भारी वाहनों को इस पर चलने की इजाजत भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर खगड़िया सड़क पुल भी टूट गया था। आप ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।